साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने डेली मॉर्निंग के लेक्चर में, करंट अफेयर्स के लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं साथियों जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों कैलिबर अड्डा को प्यार देते रहिए, आपके प्यार के बहुत जरूरत है कैलिबर अड्डा को। आपको पसंद आता हो अगर लेक्चर्स, उसको विजिट करिए पूरे कैलिबर अड्डा को। जो भी लेक्चर आपको पसंद आते हैं प्लीज उनको क्या करें, शेयर करिए, लाइक करिए और कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको समय पे वीडियो मिले और आप उसका लाभ उठा लें और अपने परीक्षा में, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। तो आइए साथियों देखते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपुल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कहाँ हो रहा, कौन स्थापित कर रहा है? पूरे यूरोपीय देश जो हैं वो जो हैं इसकी क्या कर रहे हैं, सम्मेलन रूस के खिलाफ कर रहे हैं कि यूक्रेन के पीपुल के सपोर्ट में, यूक्रेनियन पीपुल जो रूस ने हमला किया है इतने दिन से लगातार चल रहा है ये साम्राज्यवादी जो नीति है उसके विरोध में और यूक्रेनियन पीपुल के मानवतावादी के दृष्टिकोण के से क्या कर रहा है, स्टैंडिंग विद किसके, यूक्रेनियन पीपुल, यूक्रेनियन पीपल भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मेजबानी कौन कर रहा है, इसका अगुआ है फ्रांस। फ्रांस पार्टनर है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी जो हैं आपके बहुत अपना मुखर विरोध कर रहे हैं, नाटो संगठन पूरा साथ में है इसके। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्लैगशिप जेंडर टूल किट किसने लॉन्च की, तो इसने वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की, इसने विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको आप बोलते हैं, विश्व बैंक ने लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए और महिलाओं की विश्व पटल पे ग्लोबलाइजेशन में भागीदारी करने के लिए फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेंडर जो डिफरेंसेस होते हैं, असमानता होती है, उसको दूर करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, सबको कंधे से कंधा मिला के अगर साथ काम करेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र का विकास होगा और हम विकसित होंगे, हमारी सोच विकसित होगी, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारी जनरेशन अच्छी होगी। तो विश्व बैंक ने, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपके जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड सम्मेलन के, ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत हुई थी और इसका वाशिंगटन डीसी, जो वाशिंगटन डीसी है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, दोनों का वहां पे इनको जुड़वा बहने भी कहा जाता है, जुलाई 1944। थर्ड क्वेश्चन है किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार दिया गया, नवंबर का, नवंबर का, तो अभी इंग्लैंड के T20 के कप्तान, इंग्लैंड के T20 के कप्तान जिन्होंने अभी क्या, इंग्लैंड ने क्या करे, क्या है T20 विश्व कप जीता है, ये कप्तान जॉस, जोस बटलर को दिया गया, जोस बटलर को। जोस बटलर को यह प्रदान किया गया, T20 विजेता है कौन, इंग्लैंड। किस राज्य को तंदूर रेड ग्राम का GI टैग दिया गया है, तो किसे गया, तेलंगाना को, तेलंगाना, रेड कलर का चल नहीं रहा, सॉरी मार्कर की इंक लग रहा सूख गई है, चल नहीं रहा। तो तेलंगाना को तंदूर रेड ग्राम का GI टैग दिया गया है, ये अरहर की किस्म है, अरहर, रेड ग्राम अरहर ही होता है, अरहर की किस्म है, इसमें 24% क्या होता है, प्रोटीन होती है,
प्रोटीन होती है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब स्पेसिफाई एरिया के लिए दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज यहीं की उगती है। और कोई भी क्लेम करे कि नहीं ये हमारे यहाँ की है तो नहीं माना जाएगा, जीआई टैग मिल जाएगा। जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2003 में। अब सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, अभी अच्छा ये क्वेश्चन जो था आपका, इंग्लैंड के तो कंपनी जोस बटलर को दिया गया, रूस में महिला में किसे दिया गया? सॉरी आपको बताया नहीं, तो ये दूसरी जो महिला है, महिला में सिद्रा अमीन को दिया गया, पाकिस्तान के सिद्रा अमीन। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के सिद्रा अमीन को दिया गया है, पाकिस्तान के सिद्रा अमीन। अगर यहाँ पे ना आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख लीजिए महिला में सिद्रा अमीन पाकिस्तान की। हाँ, तो जीआई के टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और अहर की किस्म में अभी जल्दी में हाल में 9 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो लाएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो तंदूर रेड ग्राम कहाँ के? तेलंगाना के। अरहर की किस्म है, 24% प्रोटीन पाई जाती है। जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई। तो पहला किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। फिर यूरोपीय संघ के देश किस देश को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गए? तो ये बोस्निया, इसका पूरा नाम बोस्निया एंड हर्जेगोविना। 60 में बोस्निया ही बोलते हैं। तो इसको उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए मतलब एक सहमत व्यक्त की गई, इसमें यूरोपीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ऐसे 7 देश हैं आपको, जैसे आपका इसमें यूक्रेन भी है, आपका मोंटेनेग्रिया भी है, आपका आपका अल्बेनिया भी है। कई देश हैं जो प्रतीक्षारत में रखे जाते हैं, उम्मीदवार का दर्जा दिया जाता है इनको, यूरोपीय संघ में शामिल किया जाने पे विचार होता है। तो पहले एक प्रस्ताव एक्सेप्ट किया जाता है, उसे उम्मीदवार का दर्जा देना कहते हैं। अब देखिए, अब उसको यूक्रेन ने इतना किया उसमें शामिल होने के लिए, उसको इतना ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा रशिया के द्वारा लगातार अटैक, कितने महीनों से चला, कितनी जनहानि हुई, कितनी धनहानि हुई है, ये साम्राज्यवादी नीति है सब। ये सब क्या है? क्योंकि यूरोपीय संघ शामिल हो रहा है और रशिया अलग मतलब अपना नेतृत्व करना चाहता है, अमेरिका अलग, तो दोनों की अहम का टकराव हुई है एक प्रकार का। अगला है कि काजिंद, सॉरी फिर है, किस देश ने भविष्य की पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध करने के लिए विश्व का पहला कानून पारित किया है? तो ये है हमारा कौन? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड ने एक कानून बनाया है, उसमें क्या किया है कि 2008 तक जो बार्न है, 2008 तक जन्मे, 2008 तक नहीं, 2008 से 2008 के बाद जन्मे जो जितने लोग हैं इनको क्या किया है कि इसने क्या किया है, 2008 या 2008 के बाद जो जन्मे हैं उन्हें एक भी पैकेट, मतलब जो धूम्रपान के लिए है, एक भी पैकेट सिगरेट या बीड़ी इसका नहीं अलाउ है, प्रतिबंध है उन्हें एक भी पैकेट सिगरेट का या बीड़ी का प्रतिबंधित है, मतलब वो धूम्रपान नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कदम है,
पहला देश बना है जो कानून बनाने वाला धूम्रपान पे, या अगली पीढ़ी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और यहाँ तो लोग, यहाँ तो देश क्या शराब पे प्रतिबंध लगाते हैं, कोई कोई शराब मतलब वो क्या कर देता है उसको, और ओपनली कर देता है, लाइसेंस प्रदान करता है, और नहीं देखता है कि शराब क्या करेगी। कहेंगे दवा काम कुछ नहीं है, केवल भविष्य बर्बाद करती है किसी का भी शराब। फिर है कि काजिन 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो काजिन 2022 आपका ये मेघालय में शुरू हुआ है। रेड वाला काम नहीं कर रहा है, उसमें इंक भी देखा, इंक भी नहीं है, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं इससे साथियों। तो काजिन 2022 कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है आपका मेघालय के उमरोई में, उमरोई। और काजिन क्या होता है, काजिन कजाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है। क्या है, कजाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है, कजाकिस्तान और भारत, भारत के मध्य सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास है आपका। ये कब शुरू हुआ था, प्रथम बार ये 2016 से शुरुआत है, से शुरू हुआ था काजिन। या तो कजाकिस्तान में हो गया, भारत में होगा, तो इस बार मेघालय में, भारत में हो रहा है। फिर अगला है कि उपग्रह संचार या तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है, तो भारत बना है। कौन बना है, हमारा भारत। भारत हमारी टेक्नोलॉजी में लगातार उन्नत कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम की नीलामी कोई नहीं करता है, तो भारत कर रहा है। लगभग 2000 उपग्रह इसमें शामिल किए गए हैं, 2000 उपग्रह। हर तरीके से, हर स्थिति में अपने देश को किसी तरीके से, इससे क्या होता, इससे हमारा क्या होगा, प्रचार होगा, प्राइवेट सेक्टर आएंगे, निवेश करेंगे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण चीजें बनाएंगे, और सरकार पे लोड नहीं बढ़ेगा इतना, और उसका मैनेजमेंट भी सही होगा। इसलिए सरकार ने उपग्रह संचालित स्पेक्ट्रम की नीलामी करने पहला देश बना है भारत। किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, तो ये बाहर किसको किया गया, ईरान को। किसके प्रस्ताव पे, अमेरिका के प्रस्ताव पे, अमेरिका के प्रस्ताव पे, क्योंकि बहुत ही लैंगिक असमानता है कहाँ, ईरान में बहुत लैंगिक समानता, जबकि महिला समूह का, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बना था। तो अमेरिका का कहना है जब लैंगिक इतनी असमानता है और महिलाओं का इतना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, तो इसको समूह से बाहर होना चाहिए। लेकिन भारत ने तटस्थता की नीति यहाँ अपनाई है, भारत यहाँ में इसमें भाग नहीं लिया, वोटिंग भारत भाग नहीं लिया, जबकि 8 देश इसके विरोध भी अमेरिका के मतदान किए हैं। 8 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है, प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है, मतदान किया, जबकि भारत क्या किया, भारत ने मतदान में प्रतिभाग ही नहीं किया। क्योंकि भारत नहीं चाहता कि ईरान के साथ उसके संबंध जो अच्छे हैं वो खराब हों, और अमेरिका के साथ तो तटस्थता की नीति अपना लिया। तो ये हमारी, ये सब हर देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो डॉक्टर पीसी रथ को, डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है।
तो जितने भी बनाए जाते हैं अध्यक्ष वगैरह बहुत से हमने बनाए हैं, उसको एक तरफ लिख करके उसका रिवीजन अलग से कर लिया करें। तो साथियों ये रहे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स, मतलब आज का करंट अफेयर्स, आशा आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारे साथ बने रहिए, डेली रिवीजन करते इसको नोट डाउन कर लिया करिए, दो बार ज़्यादा स्पीड में चलाकर वीडियो देख लिया करिए, तीन बार देख लिया करिए, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए और करंट अफेयर को अलग से कहीं नहीं पढ़ना है आपको। 10 क्वेश्चन डेली आप मॉर्निंग में हमारे साथ बने रहिए 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा का सेशन नहीं होता है। और आपके 10 क्वेश्चन ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, जिस मंथ का हमने पढ़ाया है उस मंथ का डेली क्लासेस जब से शुरू हो रहे हैं लगातार करते रहे, जब तक आपका कोई भी एग्जाम आने वाला होगा कोई भी एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आप बाहर नहीं पाएंगे। इसी तरीके समय 10 कदम सीरीज चल रही है स्टेट ज्योग्राफी पॉलिटिक्स की, शाम को उसको देखते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, उसको देखते रहिए। 10 से 15 मिनट का ओबी क्लास होता है, कोई भी क्वेश्चन उसमें बहुत से वीडियो पड़े हैं उसका आप लाभ उठाइए, नोट डाउन कर लीजिए, 10 की जगह 20 क्वेश्चन का उसमें तत्व होता है। तो लगभग 3000 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पाएंगे, डायरेक्टली 1200 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है उस सीरीज में, उसको भी देखिए और अपना लाभ उठाइए। अच्छा दोस्तों इसी तरह के दोस्तों हमारे कैलिबर अड्डा में बहुत से क्लासेस चल रहे हैं, कंपटीशन लेवल मैथ के भी चल रहे हैं, क्वालिटी क्लासेस भी अलग से शुरुआत हो गई है, हिंदी क्लासेस चल रही हैं, जनरल साइंस क्लासेस चल रही हैं। और मेरी यही कोशिश है, हम सब कैलिबर अड्डा की टीम की यही कोशिश है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकें और हमारा योगदान जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो जाए। साथियों लेक्चर पसंद आए तो शेयर अवश्य किया करिए, किसी भाई का उसमें और कल्याण हो जाएगा, परोपकार करना चाहिए, तो आपका उसमें कुछ पैसा नहीं लगना है। तो साथियों आप बने रहिए कैलिबर अड्डा में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कैलिबर अड्डा का प्लीज सहयोग लेते रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और स्कोरिंग होगा और आप लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद साथियों।